चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, शिवम मिश्रा से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 255 है, जो कि दिल्ली से हैं और इन्होंने ये रैंक फाइनल ईयर के साथ अचीव किए। तो सबसे पहले शिवम, ऑल इंडिया रैंक 255 के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो शिवम, आपने ये रैंक क्योंकि फाइनल ईयर के साथ अचीव किए, कई बार हम फाइनल ईयर में होते तो कभी ना कभी स्ट्रेस भी होता है, कर पाएंगे दोनों की नहीं कर पाएंगे, तो आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या वो बताओ और दोनों को आपने कैसे मैनेज किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कभी निमसेट का प्लान नहीं किया था करने का। ठीक मैंने है हमेशा सोचा था कि ड्रॉप ईयर में ही करूंगा, क्योंकि मुझे ठीक है, लगा था साथ साथ नहीं कर पाऊंगा। बट फिर मेरे पेरेंट्स ने और फ्रेंड्स ने कहा कि कर लो एक बार, कोई कोर्स करना है तो वो भी ले सकते हो, पूरा सपोर्ट है। फ्रेंड्स ने भी बोला, पेरेंट्स ने भी बोला, तो फिर मैंने सोचा एटलीस्ट फॉर्म भर देता हूँ, पता चल जाएगा कैसा एग्जाम है। और फिर मेरे फ्रेंड अर्पित ने सर रेकमेंड किया था, आपका मैजिकल कोर्स आया था, उसने कहा टेस्ट सीरीज भी है, वीडियो लेक्चर्स भी हैं, ज्वाइन कर ले, प्राइस रीजनेबल है। तो मैंने सोचा ठीक है स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो टेस्ट सर देने चालू किए, पढ़ाई चालू की, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि पढ़ने पे आता है। बट फिर टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं, क्योंकि कुछ मॉक टेस्ट तो बहुत ही हार्ड थे सर, उसमें तो 250 नंबर भी नहीं आते। तो उसके बाद मैंने आपको मैसेज भी किया कि सर मार्क्स नहीं आ रहे, लग रहा है नहीं हो पाएगा। तो आपने बोला कि नहीं करते रहो, अच्छे मार्क्स चाहिए। फिर सर एनालाइज किया, आपके वीडियोस देखे, नोट्स बनाए, टेस्ट के सारे क्वेश्चन सारे एनालाइज किए। तो लास्ट में सर मैं तो सरप्राइज था अपने रैंक देख के एक्चुअली। तो शिवम बिल्कुल सही बात बोल रहे। देखो इम्पीटस में मेरा एक नेचर है कि चाहे बच्चा जिस भी कोर्स से जुड़े पर जो बेस्ट हो सकता है वो दिया जाए, जितना बेस्ट कर सकते हैं वो करा जाए। और अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि मैं तो ड्रॉप लेके करूंगा, ये आपने सोचा, पर सोचो आपके फ्रेंड्स ने, आपके पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट किया और आपने एक एफर्ट मारा और देखो आज आपके पास एक पूरा पूरा साल बच गया। अगर आप वही एफर्ट नहीं मारते तो आप पक्का है कि ड्रॉप लेते। सही बोलो ना? तो ये मैं आप सभी जो बच्चे बेटा इस सेशन को सुन रहे हैं उनको बोलूंगा कि अगर आप सेकंड ईयर फाइनल ईयर जिस भी साल है और अगर आप मन बनाते हैं तो देर ना करें, पढ़ाई चालू कर दें, क्योंकि अगर एक कोशिश की जाए तो एक कोशिश कहीं ना कहीं रिजल्ट दे ही देती है। तो यस सर। बिल्कुल सच बात है। अच्छा ये बताओ, आप जब दोनों कर रहे थे, बीएससी भी मतलब ग्रेजुएशन भी साथ में कर रहे थे और एमसीए की तैयारी, तो दोनों का मैनेजमेंट कैसा रखा आपने? सर एक्चुअली फॉर्म भरने से पहले तो मैंने कोई तैयारी भी नहीं की थी। 18 अप्रैल को मैंने फॉर्म भरा था और ठीक तभी है से तैयारी भी चालू की थी। उससे पहले तो सर मेरा बीसीए कोर्स था और बीसीए में ही मेरा कोडिंग पे फोकस था, प्रोग्रामिंग पे फोकस था। लेकिन जब मैंने फॉर्म भरा तब मैंने कोडिंग, प्रोग्रामिंग और इवन उस टाइम पे सेमेस्टर एग्जाम पे भी फोकस नहीं हुई। मैंने पूरे साल पढ़ाई था, तो सेमेस्टर एग्जाम इतने टफ नहीं होते कॉलेज के, वो सही पता बात चल है। जाता है किस लेवल के, तो हाँ उनके लिए तो बिल्कुल फोकस नहीं करना पड़ता, एक रात पहले कर लो तो भी चल जाता है। तो फिर पूरा फोकस मैंने इसी पे रखा। एक मैंने गूगल शीट में लिस्ट बनाई कौन कौन से चैप्टर करने हैं, एक चैप्टर कितने वीडियोस हैं, कितनी क्लासेस हैं, और बीच बीच में मॉक टेस्ट, पूरा शेड्यूल बनाया। 100% तो सर फॉलो नहीं हो पाया शेड्यूल, बट 90 to 80% मैंने शेड्यूल फॉलो किया। कुछ चैप्टर सर सिलेबस नहीं भी कर पाया मैं, जो कि मेरे को डर था कि ये कॉर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे पूरा छूट गया मेरा, मुझे लगा कि इसके बिना शायद बहुत ही कम मार्क्स आएंगे, बट ऐसा नहीं था। बाकी चैप्टर्स अच्छे से किए तो आ गए थे। शिवम बिल्कुल सही बात बोली। देखो आपने बहुत लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई की पर आपने 100% दिया। मेरा बिलीव है जब तक हम कोशिश करेंगे नहीं जब तक कुछ नहीं हो सकता। और देखो कम समय में भी आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया। और दूसरा आपको ये आइडिया था, ये सभी ग्रेजुएट बच्चों को मैं बोलता हूँ कि कॉलेज के नाम पे अपने आप को मतलब बेवकूफ मत बनाओ। कॉलेज में आपको पता है क्या आता है, किस लेवल का पेपर आता है, 4-5 साल के पेपर्स, और आपको आइडिया होता है, तो आप उसके नाम पे ऐसा अपना एक साल बचाने खराब करने की कोशिश मत करो। खराब नहीं बोलते मतलब इन्वेस्टमेंट, कोशिश ये होना चाहिए कि अगर निकल जाए फाइनल के साथ ठीक है, नहीं निकलता तो फिर ड्रॉप लेना कोई गलत नहीं, पर पहली कोशिश होना चाहिए कि फाइनल के साथ निकले। और आपने है ना लास्ट टाइम में पढ़ाई करके भी अपना 100% दिया। दूसरा अगर आपने 80% भी इम्पिटस वाला, क्योंकि आपने करा 80% 90% बहुत बड़ा पोर्स, क्योंकि इतना कंटेंट होता है, इतना टेस्ट पेपर, इतना कंटेंट कि वही अपने आप में काफी था। तो ये बताओ शिवम, आप टेस्ट पेपर का एनालिसिस कैसे करते थे? सर पहले तो बस मैं ये देख ले रहा था कि गलत कौन से किए मैंने उस चैप्टर के जो आते थे, बस यही चेक कर रहा था गलत कौन से किए। फिर तो सर आपके वीडियोस थे तो मैं वीडियो पहले देखता था और सर एक एक क्वेश्चन के नोट्स बना लेता था जो मेरे को आते थे कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये की पॉइंट अगर आता तो मैं पक्का कर लेता, मतलब जो इस तरह की चीजें होती हैं। उन नोट्स को सर मैंने फिर 2-3 बार रिवाइज किया और बस यही था मेरा एनालिसिस, आपके वीडियोस फिर नोट्स को जो एनालिसिस थे उनको रिवाइज किया और बस। वेरी गुड। अच्छा शिवम, आप अपने जूनियर्स को स्पेशली क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली वो बच्चे
जो सेकंड ईयर में फाइनल ईयर में होते हैं, जो सोचते हैं हम एक बार ग्रेजुएशन कंप्लीट करें फिर करें, क्योंकि आप उसके बेस्ट एग्जाम्पल हो, तो आपको आपका क्या मैसेज होगा? सर जितना जल्दी हो सके तैयारी चालू कर देनी चाहिए इवन ग्रेजुएशन के साथ, क्योंकि कॉलेज का तो मेरे को मतलब सिर्फ मेरे कॉलेज का ही हाल नहीं है कि पेपर इजी आते हैं, सबको पता है कि उनके कॉलेज के एग्जाम बहुत इजी होते हैं, तो जितना जल्दी हो सके चालू कर सकते हैं और बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखें। मतलब मैं काफी नेगेटिव रहता था, लेकिन अगर लेकिन सर जैसे आपके मैं क्लासेस देखता था, आप कह रहे थे बेटा 8 तारीख का पेपर इतना आसान आएगा आप सोच नहीं सकते। मुझे लगता था मॉक टेस्ट में तो 250 भी नहीं आ रहे, 8 तारीख को आसान कैसे आएगा, बट बहुत ही आसान था कंपैरेटिवली। बस पॉजिटिव माइंडसेट रखो और जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो, हो जाएगा। बहुत बढ़िया शिवम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आपकी इतनी अच्छी रैंक है, अब आपको अच्छा एक एनआईटी भी मिलेगा। वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। अब एनआईटी में भी जाके ऐसे ही परफॉर्म करना है आपको। थैंक थैंक यू सर। यू बेटा।